हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कॉफ़ी पाउडर की होममेड स्क्रब बनाने की रेमेडी बताऊंगी, जिसका यूज़ करके आप लोग एक हफ्ते में ही, ओनली 7 डेज़ में ही अपनी स्किन को ग्लोइंग और टाइटन बना सकते हैं। खासकर ये जो स्क्रब है, ये एंटी एजिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होने की वजह से वो हमारे फेस पर ब्लड फ्लो अच्छे से करता है, जिसकी वजह से जो हमारे फेस पर रिंकल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बताते हैं ये स्क्रब बनाने का तरीका। इसके लिए आपको चाहिए होगी कॉफ़ी पाउडर, सेकेंड आपको चाहिए होगा ग्राम फ्लावर यानी बेसन, और क्योंकि बेसन भी थोड़ा हैवी पार्टिकल होता है ना, इस वजह से आपको थर्ड चाहिए होगा टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर, और ऑरेंज आपको चाहिए होगा, एक ऑरेंज बहुत है, और फिर आपको चाहिए होगा एक लेमन जूस के अलावा आपको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल हमारे फेस स्किन सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इससे बनाने का तरीका बता देते हैं आपको। इसे बनाने के तरीके में एक बाउल में 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है एंड 1 टेबल स्पून बेसन लेना है। फिर आपको इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी का ऐड कर लेना है। अब आपको ऑरेंज को ग्रेट कर लेना है, यानी सिर्फ इसका छिलके को ही ग्रेट करना है। इससे पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ इसके बारे में। और अब इस जेस्ट को, जो उसका जेस्ट निकलता है, उसका 1 टेबल स्पून लेना है, अपने मिक्सचर में मिला लेना है आपको। अब इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करें, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन की जगह टोमेटो जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब लास्ट में आपको ऐड करना होगा 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल के। इसे ऑलिव ऑयल को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपको बहुत अच्छे से मिला लेना है, और ये रेमेडी तैयार हो गई दोस्तों। बनने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो अब बताते हैं कि अब इसे लगाना कैसे है। इस स्क्रब को आप अपने फेस और बॉडी पर लगाकर 2 से 3 मिनट या फिर बहुत ज़्यादा 5 मिनट तक रब करिए, और अब इसे 15-20 मिनट तक अपने फेस पर लगाकर रहने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद नॉर्मल पानी से, मतलब ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म पानी से, नॉर्मल पानी जो होता है उससे अपना मुंह धो लीजिए। और आपको इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, फिर आपको इसका रिज़ल्ट खुद ही देखने को मिल जाएगा। हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये स्क्रब होता है, तो हफ्ते में 2 ही बार इसे यूज़ करिएगा, लेकिन 2 बार में ही आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।